है गोवा में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे साथ राका है, मिस्टर एम के ज़ाला है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। मुझे पता ही नहीं चला कि ये शूट हमने कब डन कर लिया। आई थिंक 8 आवर्स में हमने पूरा गाना डन कर दिया था। इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस, अमेजिंग वर्क विद यू गाइज। नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगी कि आप एक और गाना मुझे दे दो। बॉन्डिंग रहा आप लोग दोनों के बीच में, एक नारी दो सवारी। वैसे तो बहुत अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोगों के साथ काम करने में इतना ज़्यादा पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल जाता है। हम काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता एक्चुअली। कि गाना आप बोल रहे हो एक नारी दो सवारी, बट एक नारी सब पे भारी भी होती है कभी कभार। तो आप गाने के एंड में देखोगे तो वो एक नारी मुझ पर बहुत भारी हुई एक्चुअली। आप स्टोरी लाइन अप देखोगे गाने का, भाई ने भी बहुत अच्छा एक्ट किया है। भाई ने तो पता ही नहीं चल दिया कि गाने को कैसे पलट दिया हमने। ये शूटिंग का सारा प्लान हमारा जो डायरेक्टर है जिसने शूट किया है विजेल ने, बहुत अच्छी उसने एडिटिंग भी की है, बहुत अच्छा स्टोरी लाइनअप किया है। हमें समझ नहीं आ रहा था शूट के वक्त की क्या स्टोरी शूट हो रही है, बट उसने बहुत अच्छा शूट करके अच्छी स्टोरी निकाल के बहुत अच्छी एडिटिंग, कलर करेक्शंस, कलर्स वगैरह सब परफेक्ट है। गाना लिखा मैंने, म्यूज़िक मेरे स्टूडियो से प्रोड्यूस हुआ है, गाना प्रोड्यूसर भाई है, और लिखा भी मैंने, गाया भी मैंने, कंपोज भी मैंने किया है। बहुत जल्दी बना लिया था, ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ऑसम एक्सपीरियंस रहा, अच्छा गाना रहा, इंस्टा में ट्रेंडिंग पे भी आ गया गाना, बहुत बढ़िया। मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एम के ज़ाला मिस्टर, उनसे तो मैं बहुत फर्स्ट टाइम ही मिली थी शूट पे, बट इनका जो नेचर इतना ज़्यादा सोबर और इतना ज़्यादा काम करने वाला था कि पता ही नहीं चला कि पूरा दिन हमारा शूट में कैसे निकल गया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा। 3 घंटे की मेहनत के बाद स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं, अच्छा दिख रहा है। आप बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा? आंखें तेरी हैं नसी, बातें तेरी ओवरडोज, जो एक बारी देख ले फिर नशा सुबह तक उतरे ना। हाँ चल बेबी बैठ मेरे साथ, चल पार्टी में, वोडका में पिएगी या पिएगी बकाडी में, एक दिन मेरे साथ बेबी कर ले स्पेंड, मुंबई ऐसी लगेगी जैसे पहाड़ी अबू धाबी में। थैंक यू। बाकी आपको YouTube पे जाके सुनना पड़ेगा, Spotify पे जाके सुनना पड़ेगा। हेलो एवरीबॉडी, सो आई हैव जस्ट सीन द सॉन्ग एंड इट्स लवली, इट्स अमेजिंग। आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल शुड गो एंड वॉच द सॉन्ग्स। आई हैव सीन राका सर्स अदर सॉन्ग्स आल्सो एंड आई थिंक दे आर रियली गुड। आई होप आई गेट टू वर्क इन सम ऑफ द सॉन्ग्स वेरी सून। या मैं उनको गुड विशेस देना चाहूंगी और ये गाना सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू। I'm from Brazil. I came from fashion industry, but I'm also got obsessed for Bollywood and all the Indian industry. And it's my big pleasure come celebrate Hennessy's song. Punjab is a very huge industry. I love Punjab and I just wish the best for the future. And I want to wish all the best for this song. Aur ye song super duper hit ho. Yehi meri shubhkamnaye hai is song ke liye. And I really love the everything here, जो भी यहाँ पर हुआ हम लोग आए और जिस तरीके से गाने का मतलब प्रमोशन और वॉट एवर हम लोग कर रहे हैं अभी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मिनिमम हमारा 6-7 सॉन्ग चाहिए हर रॉक पे आ गए हैं, सब आपके यूट्यूब में देखेंगे 7-7 सॉन्ग्स, और भी हमारा 3-4 सॉन्ग्स अभी नए नए आ रहे हैं। आपने देखा हमने दूसरा पोस्टर भी लॉन्च कर दिया था आज, तो और भी हमारा 1-2 सॉन्ग्स रेडी हो गया है, नेक्स्ट वीक हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। ये हमने पूरा सॉन्ग्स गोवा में शूट्स किया था, एनएसी नाम है उसका, नाम भी एकदम वाइब्रेशंस वाला, टोटली चेंज नाम है। बस हमारा वही था कि हर बार हम लोग पंजाबी स्वैग लेके आते, बॉलीवुड भी थोड़ा मिक्स करते हम लोग, तो देखेंगे अभी आगे थोड़ा और चेंज करेंगे हम लोग, पर अभी हमारा पंजाबी और बॉलीवुड पे ज़्यादा पकड़ है। और आपको पता है कि ट्रेंडिंग में पंजाबी बॉलीवुड ज़्यादा चलते हैं सॉन्ग्स,